बड़ी अजीब ही ड्यूटी है यार हमारी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? यही कि सारा दिन कपड़े पहन के तैयार रहे और जब कोई खुदकुशी करने लगे तो उसे बचा लें। और इसकी तुम्हें तनख्वाह भी मिलती है। तुझे अच्छी तनख्वाह मिलती होगी ना? हाँ मिलती है, इसीलिए तू अफंदी की इतनी वकालत जो करता है। यार अच्छे काम करता है, नेक काम करता है, और क्या चाहिए। ये नेकी और अच्छाई के काम अफंदी सिर्फ ऊपरले दर्जे और खाते पीते लोगों के लिए करता है। जाहिर है इतने गरीब गुरबा मरते हैं, अब हर मरने वाले को तो बचाया नहीं जा सकता। सर सैदो सियाद के लिए जो दूसरा प्लेयर हम लोग ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है सर। कहाँ हो इस वक्त? रावी पुल के नीचे वाला स्पॉट सर। आ रहा हूँ। रेडी? Hello.
हेलो हेलो जमाल कौन? तुम गेस करो कौन? मैं गेस करूं? कौन हो तुम? टॉस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन पहले गेस करेगा। फजूल बातें मत करो। मैं जिंदा हूं या मुर्दा? ना जिंदा ना मुर्दा। ना जिंदा ना मुर्दा मतलब ये बरज़ख है? तकरीबन। तकरीबन क्या मतलब? अपना ये सस्पेंस का ट्रेलर बंद करो। सस्पेंस और थ्रिलर, लाइफ में थोड़ा थ्रिल जरूरी है जमाल। सुनो, ये क्या जगह है? ये वो जगह है जहां थ्रिल ही थ्रिल है। समटाइम्स यू गेट किल्ड, समटाइम्स यू किल। थ्रिल। रिक्शा मटेरियल। मेरा क्या ख्याल है तुम्हारे इस शेर के लिए? बहुत दाद दूंगा मैं तुम्हें। काफी चीप सा शेर था, मतलब क्या था इसका? तुम बिल्कुल प्लेजेंट इंसान नहीं हो। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें बचाया है उसमें प्लेजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट? हाँ, तुम्हारी जान मैंने इसलिए बचाई है क्योंकि मुझे एक दिल और जिगरे का इंसान चाहिए था। और तुम हो। अच्छा, समझ गया। ओ, तुम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो? टेररिस्ट नहीं, मैं तो इंसानों की मदद करता हूँ यार। टेररिस्ट गलत समझो। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? आओ बता दो। आपके दिल में तरह तरह के वस्फ से जागना बिल्कुल लॉजिकल है। ऑफ कोर्स हम एक दूसरे के लिए अजनबी जो हुए लेकिन अजनबियों के बावजूद हम दोनों के दरमियान जो गर्ज का वो मजबूत रिश्ता है, समझिए। तो देखिए, आप रावी के पुल से छलांग मार चुके थे। अगर मैं महज इत्तफाकन एन वक्त पर ना पहुंचता और आपको ना बचाता तो आप इस वक्त... तुम समझ रहे हो मुझे तुम्हारा एहसान मंद होना चाहिए? यानी पिछले 24 घंटे से मैं खास काम की तैयारी में मसरूफ था, और वैसे भी आखिरी कदम उठाने के लिए कोई कम हौसले की जरूरत नहीं होती है। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, आपको खुद सब समझ में आ जाए। बाखुदा मैं समझता हूँ कि कजा और कदर ने मुझे आपसे दो चार कर दिया, वरना वल्ला आलम अगर आप मुझे वहां नजर ना आते रावी के पुल पर तो मैं लाहौर की गलियों में कहां मारा मारा फिरता। आपसे पहले भी मुझे दो और शख्स खुदकुशी के मिले, मगर मेरे मकसद के नहीं थे, मेरे टाइप के नहीं थे। कमजोर, डरपोक, झगड़ालू। चुनाचे मुझे और कोई चारा ना था सिवाय इसके कि मैं उनसे अपनी मर्दमशनासी की माजरत करूं और उनको उनके हाल पर छोड़ दूं। अब वो दोनों दूसरे आलम में होंगे और कहते होंगे काश काश हम लाहौर होते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे टाइप के निकले। बाखुदा आपको देखकर ही मैं फिदा हो गया आप पे। मेरी खुशामद करने की जरूरत नहीं है, जो बात मुझे बता रहे थे तफसील से बताता हूं। मुझे अपना मकसद तफसील से बयान करने की कोई जरूरत नहीं।
मेरी घर सिर्फ इतनी है कि अगर आपको खुदकुशी की जरूरत लायक हो ही गई है तो आप अपना शौक हमारे खेल सैदो सयाद से पूरा कीजिए। आप सैदो सयाद से वाकिफ तो है ना, शेर और शिकारी? जी नहीं, मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं है। अफसोस, सब अफसोस। खैर क्या करें, इंसान है ही पुर अफसोस। तो हजरत आप तो मेरे नाम से वाकिफ होंगे, मुझ नाचीज को अफंदी कहते हैं। जी नहीं, मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूं। तो फिर सुनिए, जो हजरात अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक जदीद तरीका इजाद किया है। एक ऐसा तरीका जिससे कोई उनकी मलामत नहीं कर सके कितने कितने मामूली तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी दी। लिहाजा हमने एक मामूली सा खेल इजाद किया, उस खेल का नाम रखा है सैदो सयाद, आम जबान में शेर और शिकार। तो दो शख्स जो जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, वो कुरानदाजी के जरिए फैसला करते हैं उनमें से कौन शेर बनेगा कौन शिकारी। और फिर जो शेर होता है उसके गले में हम एक घंटी लगा देते हैं, और जो शिकारी होता है उसके हाथ में हम एक बराबर पिस्तौल। लेकिन इस खेल के जरिए ना कि सिर्फ उनको एक लुत्फ हासिल होगा बल्कि दोनों में से एक यकीनी तौर पे मर जाएंगे। खैर, फिर उन दोनों को कमरे में डाल के रोशनियां बंद और फिर खेल शुरू। समझ रहे ना आप? बिल्कुल। इंटरेस्टेड? हाँ। और बता, आइए आइए। शेर के पसंद की मौसीकी लगा दी जाती है और फिर एकदम से खामोशी। फिर शेर के गले की घंटी की आवाज सुनकर शिकारी निशाना लेता है और फिर बिश्वा। और उसके बाद फिर एक और फर बिश्वा। और उसके बाद फिर खामोशी। लाइट ऑन कर दी जाती है और फिर देखते हैं कि अगर शेर जख्मी हुआ तो मौत यकीनी है, क्योंकि हर गोली जहर आलूद है। और अगर शेर बच गया, उसके गले से घंटी उतार कर शिकारी के गले में डाल दी जाती है और खेल फिर से शुरू, हत्ता कि उस वक्त तक जब तक उन दोनों में से एक रुखसत ना हो जाए। पहले इस खेल में सिर्फ मर्द हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अब एक खातून ने भी इसमें हिस्सा लेने की दरख्वास्त की है। जाहिर है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदम तसव्वुर किया जा सकता है जिसमें हवा ना पहुंचे। ये बात इस दर्जे तक पसंद की गई है कि जिस हद तक मुमकिन हो एक मर्द को एक औरत का शरीक बना दिया जाए। मगर मैंने भी इस खेल में एक दो नई तब्दीलियां की हैं। मसलन, हर 13वीं बार एक पिस्तौल में एक खाली कारतूस डाल दिया जाता है जिसका मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं होता। सस्पेंस, मोर थ्रिल। अब मोसेस हजरात और मोसेस खवातीन को रावी के पुल से छलांग मारकर पानी में डूबने की तकलीफ के बजाय मेरी इजाद करदा खेल के सलीके की मौत को तरजीह देते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इस बेतुकी कहानी से मेरा क्या ताल्लुक है? अगर मुझे अपनी जान देनी है तो मैं अपनी जान देके मर जाऊंगा, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं मुझे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे सारे खेल के लिए मैं तुम्हें कोई फीस वगैरह दूंगा तो तुम गलत हो। मुझे तुम्हारे इस खेल से कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई है, मैं जा रहा हूं। हेलो, कहां फंस गया? हेलो, कर ली कोशिश? तो आपको मालूम है मैं इस खेल की फीस लेता हूं। खुशखबरी सुना, आपसे कोई फीस नहीं लूंगा। हाँ,
दरअसल बात ये है, कल रात को एक जनाब ने और एक खातून ने सैद और सयाद का खेल खेलना था। खातून तो वक्त पर पहुंच गई पर वो हजरत आई नहीं। अलबत्ता उनका एन मौके पर पैगाम पहुंच गया कि उनको अचानक चेचक की बीमारी निकल आई। जाहिर है हिम्मत जवाब दे गई होगी और क्या। नहीं नहीं नहीं, ये फर्ज करना गलत है, ज्यादती है। चेचक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जानलेवा भी हो सकती है। आइए आपको अपना टेन दिखाऊं। कैसा लगा मेरा डेन? ये वैसे ये वाकया मेरे साथ पहली बार हुआ है। वो तो खुशकिस्मत ये थी खातून इतनी अच्छी इंसान निकली, वरना अगर ये बात फैल जाती तो मेरे आधे से ज्यादा ग्राहक। मैंने उनसे मिन्नत और समाजत करके एक दिन की मोहलत ली, उनसे वादा किया था कि एक अच्छी रिप्लेसमेंट लाकर दूंगा। अब मेरी इल्तिजा आपसे है कि अगर आप उन जनाब की जगह ले लें और अगर खुदा ना खास्ता आप बच गए तो मैं आप पर एक एहसान करूंगा, आपको वापस रावी के पुल भेजूंगा जहां से आप दिली खुशी से छलांग मारकर पानी में डूब मरेगा। तुम्हारा मतलब है मैं उस औरत की जान ले दूं? नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने कब ये कहा? यूं भी हो सकता है वो खातून आपकी जान ले ले। वैसे इन दोनों में से आप कौन सी बात पसंद करेंगे, एक खूबसूरत खातून के हाथों मरना या फिर समंदर में सड़े बुसे रहना जिसमें ऐन मुमकिन है एक मौके पे आके कोई खुदाई फौजदार आपको बचा ले? वैसे मेरे इस तरीके से मौत खाली यकीनी नहीं, खूबसूरत भी है। क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो? तुम्हारा मतलब है मैं अपने आप को छोड़ के उस औरत की जान ले लूं? सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे इस सारे खेल से कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही है। पता नहीं अब तक कितने इंसानों को कब्ज़ा इस वक्त मौत का शिकार कर चुका है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, आप बड़ी सख्त दिली से काम ले रहे हैं। आपकी इन बातों से मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। वैसे मैंने कब किसी से कहा तुम कब्ज़ा इस वक्त मर जाओ? ये तो खुद मेरे पास चले आते हैं जो मर जाने का इरादा कर चुके होते हैं। मेरी खेल की बदौलत इनमें से आधे मौत का शिकार हो जाते हैं। मैं तो बनीनो इंसान का खैरख्वाह हूं, मैं जाने लेता नहीं हूं, जाने बचाता हूं। यकीन कीजिए वो अंधेरे में गोली चलने का डर, वो मुख्तसरन मगर शदीद इंतजार मर्ग, वो लाश का घिनौना नजारा, ये सब वो भयानक बातें हैं जिनको देखकर वो सब जो बच जाते हैं इरादा कर लेते हैं कि अगर अब मरेंगे तो घर जाकर तबई मौत ही मरेंगे। मैं जा रहा हूं। खातून के सर पर एक एहसान कर दें और अगर आप खुशकिस्मती या फिर बदकिस्मती से बच गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप भी घर जाके खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि आप बच गए। क्या कर रहे हैं? हैं? और आपके इस खेल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो खातून मरना चाहती है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। ये जनाब रावी के पुल से छलांग मारते, मैंने इनसे कहा मैं खातून को जानता हूँ जो आपकी ये खिदमत बड़ी दिली खुशी से कबूल फरमाएंगे। ये जनाब तो बड़े नादर और बहादुर साबित हुए, मेरे साथ चल पड़े। मुझे मुबारकबाद दीजिए, मैं आपके लिए बड़ी जबरदस्त रिप्लेसमेंट लेकर आया हूँ। आई आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम हो गया, अब काम की तरफ बढ़िए।
दो रूल्स के मुताबिक आपको एक घंटा दिया जाता है जिसमें आप एक दूसरे से वाकफियत पैदा कर लीजिए, या फिर अगर दुनिया के लिए कोई पैगाम छोड़ना है तो। नहीं, मैं बहुत इंतजार कर चुकी, अब मजीद इंतजार का क्या फायदा? अजनबी, अगर हम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इस एक घंटे को इस्तेमाल में ना लाएं, तो आपको कोई एतराज है? लेकिन सच बात तो यह है कि अब से कुछ देर पहले मैं वाकई इस दुनिया से फौरन रुखसत होना चाहता था, लेकिन अब कुछ आफंदी की बातों का असर और कुछ आपकी मुलाकात का असर ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी का कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए मेरे नज़दीक ये रूल बहुत ही माकूल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस एक घंटे वाले रूल की पाबंदी की जाए, और मुझे लगता है कि मैं आपसे यह दरख्वास्त करने का हक भी रखता हूं, इसलिए कि वो आप ही हैं जिसने मेरे असली इरादों को दरहम भरम कर दिया था। अगर आप ना होते तो शायद मैं इस वक्त दरिया की लहरों में बहता हुआ समंदर तक पहुंच चुका होता और शायद मछलियां मेरी बोटी। तौबा तौबा, खैर जैसे आपकी मर्जी, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मेरा साथ इस वक्त आपको किसी भी तरह अच्छा लगेगा। रूल्स के मुताबिक आपको एक घंटा दिया जाता है और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर हमें अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात इकट्ठे गुजारने ही हैं तो नामुनासिब ना होगा अगर हम इन्हें हंसते खेलते गुजारते। मैं कल से अब तक इंतजार की बहुत जहमत झेल चुकी हूं। अगर दिल चाहे तो मेहरबानी करके कोई दिलचस्प सी बात कीजिए। क्या बात करूं? क्या बात करूं? इस तारे में बात करता हूं। कल जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने अपना सामान बांधा और जाकर छत पर बैठ गया, सितारों को देखता रहा। फिर अचानक मेरी नजर जोहरा पर पड़ी और मैंने सोचा जोहरा यहां कैसे आ गई। कुछ इसी तरह का सवाल इस वक्त भी मेरे दिल में घूम रहा है कि जोहरा यहां कैसे आ गई। क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो धोखा खा सके? क्या कोई ऐसा इंसान बाकी नहीं रहा जो हुसन का फरेब खा सके? दिलों को तोड़ने का ये खेल उसी कदर दिलचस्प है जिस कदर ये खेल जो हम खेलने जा रहे हैं। इसमें भी सिर्फ एक ही इंसान मजरूह होता है। मैं फिर ये पूछूंगा कि जोहरा यहां कैसे आ गई। मालूम होता है आपको तशबीहों का बहुत शौक है। किसी और वक्त अगर मुझसे आपने ये सवाल पूछा होता तो मैं इसे आपकी दीदा दिलेरी समझती और खामोशी के सिवा और कोई जवाब देना गवारा ना करती। लेकिन अब चूंकि हम दोनों में से सिर्फ एक को एक घंटा और जिंदा रहना है, मुझे लगता है कि साफ को इसे काम लिया जाए तो बेहतर होगा। तो जनाब, जोहरा के यहां मौजूद होने की वजह अतारत है। एक ऐसा शख्स जिसकी जाहिरी शक्लो सूरत तो नहायत शरीफ थी मगर उसका दिल दगा से भरा हुआ था। उसके और हालात बताएं। मैं क्यों बताऊं? हाँ, राज के बदले राज का इजहार कर सकती हूँ। आप बताइए गुमनाम अजनबी, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? माफ कीजिएगा, मैं आपको किसी आसमानी नाम से नहीं पुकार सकती। मेरे यहाँ आने का बायस हुस्न खूबी का एक चमकीला सितारा हुआ जो कुछ अरसे तक मेरे साथ गर्दिश करता, फिर आपके अतारत की तरह धोखेबाज निकला। अब वो किसी सिपाही की आगोश में चमक रहा होगा।
उसके बगैर जिंदगी तारीख है। और मैं इसलिए चाहता था कि किसी दूसरी दुनिया में चला जाऊं। बदनसीब शख्स, ऐसा सलूक क्या आपके साथ पहली बार हुआ है? जी पहली बार, और मैं चाहता हूं दोबारा इस तरह का वाकया पेश भी ना आए। क्या आपका महबूब इस काबिल है कि उसके लिए जान कुर्बान कर दी जाए? क्या आपका महबूब इस काबिल है? नहीं, हरगिज नहीं, कतन नहीं। आप ये ना समझें कि मैं दिल शिकस्ता का मरहम जानकर मौत की तलबगार हूं। आपका ख्याल ऐसा हो तो हो, लेकिन मैं तो इसलिए मरना चाहती हूं कि मेरे रिश्तेदार अहबाब मेरी हंसी ना उड़ाए। एक बार पहले ऐसा वाकया हुआ है, मैं नहीं चाहती कि तीसरी बार भी कोई ऐसा ही वाकया हो। मर्द धोखेबाज और बेवफा होते हैं। वैसे आपको छोड़कर औरतें भी कुछ कम नहीं होती। जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप अपना नकाब उतार कर मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए। क्यों? मेरी आरजू है कि उस औरत की शक्ल देखूं जो अब से कुछ देर में मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी, या मुझसे चंद मिनट पहले खुद वहां पहुंच जाएगी। फजूल तमन्ना है। देखिए, हम एक तवील सफर की तैयारी कर रहे हैं, और अगर इस सफर पर जाने से पहले मैं अपने हम सफर की शक्ल देखना चाहूं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। और वैसे भी आपको मेरा शर्मिंदा एहसान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ना होती तो मैं कब का इस तकलीफ से आजाद हो चुका होता। बकौल आपके कि मुझे आपका एहसान मंद होना चाहिए, आपका हुक्म तो मानना पड़ेगा। लीजिए, मैं अपना नकाब उतारे देती हूं। अब बताइए, मेरे चेहरे में आपको कोई ऐसी कबाहत नजर आती है जिसकी वजह से दो मर्द मुझसे यूं मुंह फेर लें? कसम से नहीं, बल्कि जो कुछ मुझे नजर आ रहा है उसे देख के तो कोई तीसरा शख्स भी मसूर हो सकता है। मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है। जी, इस तारीख कमरे में बैठे रहने से बेहतर है कहीं बाहर चले, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां बहुत तारीखियां हैं। एक दिन मेरा चाहने वाला मुझसे मिलने आया, इश्क मोहब्बत की दास्तान वो रुक रुक कर थम थम कर मुझे सुना रहा था। उसके लहजे में आजजी थी, अंदाज में इनकसार था, और फिर उसने कहा कि मेरी आमदनी में घर का खर्च नहीं चलता तो शादी कैसे होगी। हजरत मेरे जहेज के लिए मुंह खोले बैठे थे। अजीब बात है, ऐसा चेहरा देखना और फिर दूरंदेश रहना। अच्छा, जो आपके दूसरे आशिक थे, आपके तारत, क्या वो भी आगे की सोचने वाले थे? नहीं, अब तो मैं दौलतमंद हूँ। चचा के मर जाने के बाद मुझे काफी कुछ मिला विरसे में। मेरे सूरमा का दिलो शमशीर 6 महीने तक मेरी कदम बोसी करते रहे, लेकिन यकायक उनके हुस्न का मैयार बदलने लगा।
जरा आपका उजर मुलायजा फरमाइए और मेरी दर्द मंदी का भी ख्याल कीजिए। मुझी को लिखते हैं कि रंगों के बारे में मेरे ख्याल बदल गए हैं। अब तक वो अंधा था, किसी नई नवेली ने बसारत बख्शी और अब उन्हें हरी आंखों की बजाय स्याह आंखें अच्छी लगती हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि अब से पहले मुझे भी स्याह रंग दुनिया के तमाम रंगों में बेहतरीन मालूम होता था, लेकिन अब मैं हरे रंग की कस्में खाया करूंगा। आप उसी स्याह रंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिसके लिए एक घंटा पहले आप जान देने को तैयार थे? असल में मैं एक शायर हूं। मैं जिन खातून के लिए आज जान देने को तैयार था, अब से पहले मुझे उनके चेहरे में तमाम तर खूबियां ही नजर आती थी। शायद इसलिए कि आज से पहले मेरी मुलाकात आपसे नहीं हुई थी। वाह शायर साहब, माशाल्लाह, आप भी बाकी मर्दों की तरह मतलून मिजाज साबित हुए। आप काले रंग की परस्तिश करते हैं, काले रंग के लिए जान देने को तैयार हैं, और बमुश्किल एक घंटा नहीं गुजरता कि हरा रंग आपको फरेफ्ता कर लेता है। अब आप हरे रंग के लिए भी जान देने को तैयार होंगे, है ना? जी नहीं, मैं इस हरे रंग के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहां तशरीफ लाए। आपको मारने में मुझे दिली खुशी हासिल होगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपके वो अतारत साहब और वो दूरंदेश साहब आपसे बेवफाई क्यों कर गए। असल में आपके चेहरे पर वसीलापन बिल्कुल जेब नहीं देता, और आपके अतारत साहब और दूरंदेश साहब लगता है शायरी से बिल्कुल मुबर्रा थे। आपकी इन हरी हरी आंखों का हुस्न समझने के लिए उस वसी और अरीज मैदान के बारे में सोचना पड़ता है जिस पर अचानक बादल छा जाए और बारिश की बूंदें टपक पड़े। ऐसे में उन बूंदों पर जो किरणें पड़ती हैं वो बिल्कुल आपकी आंखों की तरह महसूस होती हैं। अब जो इस रूह अफजा नजारे को समझ ही नहीं सका वो आपके हुस्न की कदर क्या करे। सुभान अल्लाह, क्या फसाहत है, लेकिन शायर अहमक होते हैं। तो बताइए साहब, कोई नाशिर है जो आपकी नज्मों को शाया करना गवारा करे या? मेरा नाम जमाल नाफिज है। जमाल नाफिज, इस्लामाबाद का रहने वाला? जी हाँ, खुशकिस्मती से वही। आपने मेरी कौन कौन सी नज्में पढ़ी हैं? हुस्ने शीरीं, इश्क़े लैला। नज्में? मैंने कभी नज्में नहीं पढ़ी। अच्छा ये बताइए, आपकी वो स्याह आंखों वाली महबूबा का नाम अरूसा है? जी, लेकिन आप उसे कैसे जानती हैं? मेरा सूरमा, मेरा अतारत इस्लामाबाद में जिसे दिल दे चुका, खत में लिख के बताया था उसने। वो किसी जमाल नाफिज नाम के आदमी की शायरी की दिलदादा थी। अब वो जवान जंगजू सिपाही को तरजीह देती है। मेरा अदारत बहुत मशहूर खतूत पास है, बड़ी तफसील से खत लिखता है। अच्छा, तो आप हैं जिसने मेरी जिंदगी की राहत, चैन और आसूद की छिनवा दी। अगर आप अपने उस आशिक को संभाल के रखती तो शायद मैं आज अपनी जिंदगी चैन और खुशी के साथ गुजार रहा होता। बैठिए।
आप जानते हैं आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी बहुत नवाजिश। आप इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल बार बार ये कहना चाह रहा है कि क्या ये नहीं हो सकता कि आप अपने उस सूरमा को भुला दें और मैं अपनी उस बेवफा महबूबा को भुला दूं और क्या, और हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। मोहतरम शायर, मुझसे आपके इश्क को तो सराहा नहीं जा सकेगा, लेकिन मैं आपके जुनून की दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं आपकी ये दानिशमंदाना तजवीज़ को कबूल नहीं कर सकती। मैंने सच्चे इश्क की पहचान अल्फाज से करना छोड़ दी है। जो भी मुझसे शादी करना चाहे उसे कुछ करके बताना होगा। आप दोनों यहाँ बैठे, वक्त हो गया, आई। शुक्र है, मेरी मुश्किल बड़ी मुश्किल से आसान हुई। मुझे शायर सख्त नापसंद है, मेरा बस चले तो मैं शायरों को गोली मार दूं। अच्छा कहा, अच्छा कहा, आइए आपका ये शौक भी पूरा कर लेते। अब आप दोनों एक एक कतरन निकालेंगे, जिसकी कतरन छोटी होगी वो शेर बनेगा या बनेगी। मेरा शेर। मैं शेर हूं और मैं शिकारी। अब आप ये घंटी गले में लगाए, चलती है। आपके पास थोड़ी देर में मौसीकी चलेगी, फिर खामोशी, और फिर आप घंटी की आवाज सुनकर निशाना लीजिएगा। मैं आपका ममनून हूं और दुआ करता हूं आपका सफर जल्द तय हो और आपकी मंजिल खुशगवार और दिल पसंद हो। शुक्रिया। जमाल, किस किस्म की मौसीकी पसंद करोगे? कोई दर्द भरी मौसीकी लगाओ जिसमें उम्मीदों का खाक में मिल जाना, जिसमें हरी आंखों की सफाकी हो, जिसमें किसी बेरहम शिकारी के शिकार की आहजारी हो। लीजिए खातून, आपने मर्दों की जिंस से जो बदला लेना था मेरी जात से ले लीजिए। मैं लाइट्स बंद कर रहा हूं। निशाना चूक गया, पिस्तौल बहुत ऊंचा चलाया होगा, ऐसा लगता है कि जैसे कि जानबूझ के किया। और अब ये घंटी आपके गले और ये पिस्तौल आपके हाथ में, ध्यान कीजिएगा निशाना चूकने ना पाए, जरा नीचे रखिएगा। आप फिक्र ना करें, मेरा निशाना नहीं चूकेगा। बेस्ट ऑफ लक।
खातून, आप किस तरह की मौसीकी पसंद करें? कोई बेपरवाह सी चीज लगा दो, दर्द भरे सुर मुझे भाते नहीं। बेहतर, मैं लाइट्स बंद कर रहा हूं। जिंदा है? तेरवी गोली। hey, जमाल जागो, तुम जिंदा हो। तेरवी गोली। फिर एक और राउंड? नहीं, मैं तंग आ चुकी हूं, मुझसे ये खेल नहीं खेला जाता। मेहरबानी करके गाड़ी मंगवा दीजिए। जनाब आप? जी नहीं, मैं भी ये खेल और नहीं खेलना चाहता। आपकी मर्जी, किसी और मौत मरिएगा। आई अजनबी, आपने मुझ पर गोली क्यों ना चलाई? आपने कहा था ना कि जिससे आपकी शादी होगी उसे कुछ करके दिखाना होगा। मैंने सोचा अपनी जान दे डालूं, लेकिन अफसोस वो भी हो ना सका। आप क्या जाने, आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? हेलो, कहाँ हो? रेल की पटरी? मेरा शिकार रेल की पटरी पे लेटा है। मैं आ रहा हूं।